हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने सीसीटीवी कैमरे के लिए पावर सप्लाई स्प्लिटर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है डीसी फीमेल कनेक्टर, जिसको कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था। अगर आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो पहले से बना चुका हूँ, तो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये कनेक्टर लेना होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा पावर स्प्लिटर बन जाता है, हमारे सीसीटीवी कैमरे को स्प्लिट कर देगा चारों कैमरे में पावर को, और ये हमारे पावर सप्लाई में जाकर कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऑनलाइन से लेंगे तो ये आपको 185 रुपीज़ का पड़ेगा, सिर्फ एक स्प्लिटर। और उसी को मैं आपको 100-100 रुपीज़ में दो स्प्लिटर बनाकर दिखाऊंगा। ये जो 10 कनेक्टर का जो पैक था वो मेरे को 199 रुपीज़ में पड़ा था, उसके बाद इसको मैं अपने हाथ से स्प्लिटिंग डिवाइस में कन्वर्ट किया हूँ, तो ये मेरे को 100-100 रुपीज़ में मिल गया। यानी कि आपका एक स्प्लिटिंग वायर में आपका 85 रुपीज़ बच रहा है, और आपको मैं वो दो बना के दूंगा 199 रुपीज़ में, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं पूरा वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप करके आगे मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, एक ठो स्प्लिटर बनाने में आपको 5 कनेक्टर आपको लगेगा, ठीक है ना। ये आपको 10 कनेक्टर का पैक मिल जाएगा 199 रुपीज में Amazon में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से लेंगे तो आपको और काफ़ी कम प्राइस में मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है आपको 4 कनेक्टर, ठीक है ना। एक एक कनेक्टर को छोड़ देना, 4 कनेक्टर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको चारों कनेक्टर को ऐसे मैच करना है, जैसे रेड तरफ रेड रखना है, ठीक है। ऐसे रेड में रेड, ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। आप इसको ऐसे मिला कर चेक कर लीजिएगा कि ये चारों एक ही हाइट में है कि नहीं है, यानी कि अगर ऊपर नीचे होगा तो अच्छा नहीं दिखता ना, इस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको जब भी आप इसको साइज को ऐसे करें तो आप चारों को ऐसे चेक कर लीजिएगा कि एक साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक साथ आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये एक साथ मिल जाएगा आपको ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर आपको टेप लगा देना है, तो मैं टेप को लगा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे टेप को ऐसे लगा देना है, उसके बाद यहाँ से आपको टेप को कट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसा बन गया, और ये एक ही साइज़ में आपको बन गया, देख सकते हैं आप चारों का साइज़ एक ही लगा हुआ है ना। चारों का साइज़ आप देख सकते हैं कुछ एक ही प्रकार का है, देखिए कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। आपको सबसे पहले ये प्रोसेस करना पड़ता है, ये जो आपके रेड तरफ का वायर है और ब्लैक तरफ का वायर, दोनों को अलग अलग कर देना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले दो कनेक्टर को ज्वाइन करना है, ये रेड से रेड करना है ना, पहले दो को रेड से रेड, उसके बाद फिर से ये दो रेड को रेड करना है, और वैसे ही आपको ब्लैक में भी करना है, और सेम ऐसे ही आपको फिर से ये वाले ब्लैक में कर देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा अलग अलग हो गया, ठीक है ना। अब रेड को दो दो रेड जो है, और ये इधर दो दो आपका ब्लैक है, दोनों को रेड में मर्ज कर देना है, पूरे को, पूरे रेड को एक साथ मर्ज कर देना है। अब आपको पूरा रेड एक साथ मर्ज हो गया, उसके बाद आपको सेम हैज़ इट इज़ आपको पूरा ब्लैक को मर्ज कर देना है। ये हमारा अलग अलग हो गया, आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से अलग ये हो गया, यहाँ से अलग ये हो गया, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गया। अब ये दोनों अलग अलग में हमको ये वाला जो कनेक्टर है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा ब्लैक वाला है उसमें आपको ब्लैक को कर देना है, और रेड वाले में रेड को कर देना है, ठीक है। ये ब्लैक वाला में ब्लैक वाला हो गया, ठीक है। और आपको इधर ऐसे इसको ऐसे कर देना है, ये देखिए ऐसे कर देना है आपको, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, टेप को लेना है, टेप को आपको लेना है और उसको छोटा सा कट कर देना है। टेप को लेने के बाद आपको छोटा सा कट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको बीच में इसको डाल देना है, ताकि दोनों वायर एक दूसरे से टकराए ना। अब देखिए टेप अंदर में डल गया, उसके बाद आपको इसको ऐसे इस तरफ कर देना है, जिस तरफ भी आप करना चाहें उस तरफ आप कर दीजिए, ताकि दोनों का जो वायर है वो टकराए मत, ठीक है। ये हो गया, अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं पे वायर एक दूसरे से दिख तो नहीं रहा। अगर दिख रहा होगा
तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों वायर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे टेप लगा देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टेप लगा देना है। ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से आपको एक टेप लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा स्प्लिटर है वो रेडी हो गया, ठीक है ना। अगर आप सिंगल स्प्लिटर को अगर लेंगे ऑनलाइन से तो आपको 185 रुपीस पड़ेगा, लेकिन मैंने 10 कनेक्टर को मंगाया और ख़ुद बनाया स्प्लिटर, तो ये मेरे को एक थोक 100 रुपीस का पड़ गया, ठीक है ना। तो अगर आपको ये कनेक्टर लेना होगा ऑनलाइन से, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका अनबॉक्सिंग का भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में। और ये जो कनेक्टर है उसको स्प्लिट में कैसे हमको बनाना है, कैसे वायरिंग करना है, वो आपको मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोज़ रोजाना लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।